नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 10 निर्वाचन होने हैं, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें रिक्त हुई हैं जिनके लिए चुनाव हो रहे हैं। अब सामान्य तौर पर यदि 10 नामांकन ही होते सत्ता पक्ष और विपक्ष से तो आसानी से यह निर्वाचन निर्विरोध घोषित हो जाता, लेकिन अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने एक और प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार कर राज्यसभा के इस चुनाव को अति रोचक बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले 7 प्रत्याशी राज्यसभा के लिए चुनाव मैदान में उतारे, जबकि 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने अपने राज्यसभा चुनाव के लिए उतारे। इस तरह से दोनों राजनीतिक दलों यानी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की ओर से कुल 10 प्रत्याशी मैदान में थे जिनका निर्वाचन करीब करीब तय था, लेकिन अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने संजय सेठ को राज्यसभा चुनाव के मैदान में उतार कर इस चुनाव को रोचक बना दिया। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और खास तौर से यूं कहें कि जया बच्चन की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। जया बच्चन करीब 20 वर्ष से राज्यसभा की सदस्य रही हैं और इस बार फिर वह समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाई गई है। समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी घोषित किए थे और तीनों प्रत्याशियों का नामांकन कराया। इनमें श्रीमती जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन, यह 3 नेता हैं जो राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी को इन तीनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए कम से कम 111 वोट चाहिए। एक प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए 37 वोट चाहिए। समाजवादी पार्टी के अपने 108 वोट हैं। इनमें जो खफा चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के सिंबर पर चुनाव लड़ने वाली अपना दल कमेरा की नेता पल्लवी पटेल भी हैं, जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन उनका अपना अलग राजनीतिक दल है। और पल्लवी पटेल ने जब अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों के राज्यसभा प्रत्याशियों के लिए घोषणा की तो उस समय पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, इन दोनों नेताओं ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत कर दी कि अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति करने का दावा करते हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी में पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक कहीं नहीं दिखता है। यह साफ कर दिया राज्यसभा के इन 3 प्रत्याशियों को घोषित करके। अब पल्लवी पटेल कहती हैं कि चाहे वह जया बच्चन हो या आलोक रंजन हो, यह दोनों ही ना तो पिछड़े हैं, ना अल्पसंख्यक हैं, ना दलित हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का दोहरा चेहरा सामने आ रहा है कि वह कहती कुछ है और करती कुछ है। वोट पाने के लिए पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का फार्मूला अपना रही है, लेकिन जब सीटों पर यानी राज्यसभा में भेजने की नौबत आई तो इनको ठेंगा दिखा दिया। पल्लवी पटेल ने तो यहां तक कहा कि ना हम वोट करेंगे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशियों को और ना सहयोगियों को, राज्यसभा प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशियों को वोट करना चाहिए। अब इन 3 प्रत्याशियों को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी को 111 वोट चाहिए, जबकि उसके पास केवल 108 वोट है। इनमें भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल भी शामिल है, जो कह चुकी हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को राज्यसभा में वोट नहीं करेंगे। तो इस तरह से एक वोट तो साफ तौर पर उनका घट गया है। इस तरह से 107 वोट रह जाते हैं समाजवादी पार्टी के पास। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का भी विधायक दल में यानी समाजवादी पार्टी के विधायक दल में अपना एक बड़ा प्रभुत्व है, उनकी अपनी एक हैसियत है, उनकी अपनी विधायक दल में एक पैठ है। तो जाहिर सी बात है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हैं अपने मुखिया, अपनी पार्टी के लीडरशिप से, तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के सहयोगी साथी या उनके शुभचिंतक या उनके समर्थक जो विधायक हैं वो भी क्रॉस वोटिंग करेंगे और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के
इन तीन प्रत्याशियों को वोट नहीं करेंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है, साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के इन तीन प्रत्याशियों का चुनाव यानी उनका निर्वाचन कहीं ना कहीं फंस जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने संजय सेठ को चुनाव मैदान में उतार कर यह साबित कर दिया कि वह इस चुनाव को आसानी से जीत सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले 7 प्रत्याशी घोषित किए थे और 7 प्रत्याशियों के नामांकन करा दिए थे, लेकिन अंतिम समय में जब भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के अंदर कलह देखी तो उसने संजय सेठ को राज्यसभा के लिए चुनाव मैदान में उतार दिया। खास यह है कि संजय सेठ कभी समाजवादी पार्टी में खास अहमियत रखते थे, कुछ समय पहले या छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी ने मौके का पूरा फायदा उठाया कि संजय सेठ जो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों का वोट हासिल करने में उनको कामयाबी मिल सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी को अपने सभी 8 प्रत्याशियों को राज्यसभा में निर्वाचित करा करके भेजने के लिए 296 विधायक वोट चाहिए, लेकिन उसके पास सभी अगर सहयोगी दलों को भी मिला लें तो उसके पास बमुश्किल 288 वोट दिख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल यानी जयंत चौधरी के 9 वोट हैं, यानी उनकी पार्टी के 9 विधायक हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं उसमें जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट कराएंगे अपने विधायकों से। जब उनसे सवाल जवाब मीडिया ने किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि राष्ट्रीय लोक दल का एक एक विधायक पार्टी के साथ खड़ा है, यानी जयंत चौधरी जो भी कहेंगे वह उनकी पार्टी के विधायक करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के पास सहयोगी दलों को भी मिला लें और राष्ट्रीय लोक दल को भी मिला लें तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 288 वोट बैंक है। इसके बावजूद उसे 8 वोटों की जरूरत होगी ऐसा दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर संजय सेठ को जिताना है भारतीय जनता पार्टी को तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन यानी समाजवादी पार्टी या बसपा या अन्य जो दल रह जाते हैं उनके विधायकों को प्रभावित करके वोट कराया जा सकता है। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी की एक सीट तो आसानी से फंसती दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक दांव पेच सामने आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी की एक सीट पूरी तरह से फंसी दिख रही है। अब इसे यूं भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐन चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और जया बच्चन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जया बच्चन की सीट ज्यादा आसानी से फंसती दिख रही है। क्योंकि जैसा पल्लवी पटेल ने कहा कि जया बच्चन और आलोक रंजन ना तो ओबीसी हैं, ना दलित हैं, ना पिछड़े हैं, ना अल्पसंख्यक हैं, आखिर समाजवादी पार्टी ने किस आधार पर इन नेताओं को टिकट दिया? तो इस तरह से खास निशाने पर तो जया बच्चन दिख रही है और उनकी सीट इसी नाते फंसती दिख रही है राज्यसभा की। अब भारतीय जनता पार्टी अपने 7 प्रत्याशियों को तो आसानी से जिता ले जाएगी, लेकिन संजय सेठ को उतार कर मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्यसभा के इस चुनाव को रोचक बना दिया है, क्योंकि अब यदि संजय सेठ नहीं जीत पाते हैं तो वह समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी मुश्किल तो खड़ी ही कर चुकी है। तो समाजवादी पार्टी के आंतरिक कलह या यूं कहें कि अखिलेश यादव के खिलाफ जो बगावत हुई है समाजवादी पार्टी में, वह उन पर भारी पड़ेगी राजनीतिक दृष्टि से समाजवादी पार्टी के अंदर। अब यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि राजनीति के यह दांव पेच कब किस पर भारी पड़े, कौन किस पर भारी पड़ा, यह तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन फिलहाल अखिलेश और जया बच्चन की मुश्किलें काफी बढ़ी दिखाई दे रही हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।